राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। कांग्रेस ऑफिस में आज राहुल को अध्यक्ष पद का सर्टिफिकेट दे दिया गया। इस मौके पर सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा पार्टी के हर बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। देशभर से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जुटे थे। राहुल की ताजपोशी पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। उससे पहले हम आपको बतौर अध्यक्ष राहुल के भाषण की बड़ी बातें सुनवा देते हैं। देखिए, आपके सामने उदाहरण है, एक बार आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। यही हम बीजेपी के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने देश में आग लगा दी, उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। और आज बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक शक्ति है, वो है कांग्रेस पार्टी का प्यारा कार्यकर्ता और नेता। वो तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं, वो आग लगाते हैं हम बुझाते हैं, वो गुस्सा करते हैं हम प्यार करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और नेताओं को आज आश्वासन देना चाहता हूं, आप सब मेरे परिवार। तो आपने सुना, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस के, और उन्होंने जमकर हमला बोला नरेंद्र मोदी के ऊपर। हमारे साथ तमाम पैनल जुड़ा हुआ है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेसी नेता हमसे जुड़े हुए हैं, आशीष सिन्हा फील्ड में मौजूद हैं, और दीपक जी, जमकर हमला आज राहुल गांधी ने बोला है नरेंद्र मोदी के ऊपर। बिल्कुल बोला है, और मैंने जैसे कहा कि उनके पास झंडा और डंडा तो है, लेकिन एक एजेंडा लेकर चलने की जरूरत है राहुल गांधी को, क्योंकि उन्हें एक नरेशन बनाना पड़ेगा 2019 के लिए कि आखिरकार लोग नरेंद्र मोदी जी को बदले या नया प्रधानमंत्री बनाए या उनको चुने या किसी और को चुने, ये लोगों की मर्जी है। उसके लिए उनको एक ऑल्टरनेट नैरेटिव तैयार करना होगा। अभी तक 2014 से लेकर आज तक राहुल ने जितने भी नैरेटिव तैयार किए हैं वो पंचर हो गए। राहुल के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। और वहीं उसके अपोजिट में अगर आप देखें तो राहुल गांधी जब बजट सत्र होता है छुट्टी पे चले जाते हैं, फिर गर्मी आती है नानी जी से मिलने इटली चले जाते हैं, और लोगों ने इसका बहुत मुद्दा बनाया। लोकसभा में यहां तक कहा गया कि सरकार की ओर से कि राहुल गांधी कहां कहां एसपीजी वालों को नहीं ले जाते, हमको ये भी पता है। एक चीज बताइए दीपक जी, क्या ये नैरेटिव जो जिसके आप एजेंडा की चर्चा कर रहे हैं अंग्रेजी में बनेगी हिंदी में बनेगी? नहीं, हिंदी में बनेगी। लेकिन हिंदी में जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने इस बात को कहा, मैं बता देता हूं, जो तीन बातें उनके भाषण की थी जिससे उन्होंने समझाने की कोशिश की, वो आग लगाते हैं हम बुझाते हैं, वो तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं, वो नफरत करते हैं हम उसकी जगह प्यार करते हैं। तो ये जो तीन लाइनें हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, शायद उन्होंने आज की सिचुएशन पर कमेंट किया है, और आज की सिचुएशन पर कमेंट करने के बाद ही इस नरेशन को वो आगे लेकर जाएंगे। अगर समझदारी करें तो गुजरात के बाद उनको कर देना चाहिए जी, लेकिन गुजरात के बाद न कर पाए तो चूक गए चौहान हो जाएंगे जी। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बधाई हो आपको आपके नए अध्यक्ष की। क्या सोचते हैं अब राहुल गांधी कहां तक पहुंचा पाएंगे कांग्रेस को? चुनाव के नतीजे आने ही वाले हैं गुजरात के। देखिए, गुजरात में चुनाव हो चुके हैं, हिमाचल में चुनाव हो चुके हैं, उनके तो जो नतीजे आएंगे, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, एग्जिट पोल आप जाने, आपका काम जाने, वो अपनी जगह पर है। लेकिन निश्चित तौर पर गुजरात के चुनावों से लेकर के राहुल गांधी जी की इस ताजपोशी का कोई मतलब नहीं है। दो बातें यहां पर बड़ी स्पष्ट कर दूं। एक तो आज के दिन में जो एक पाकिस्तान के जो दो पाकिस्तान किए थे भारत ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत की सेनाओं ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया था, उसके लिए पूरे देश को बधाई, विजय दिवस की बधाई। तो इसीलिए आज का दिन बात ना आपने अभी दीपक कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे पास नैरेटिव, तो जी आपने आज का दिन इसीलिए चुना। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ शोभना, मैं आप और दीपक जितना वरिष्ठ नहीं हूं तो इसलिए मैं अगर बीच में टोक टोक जाता हूं तो मेरा टेम्पो खत्म हो जाता है। अच्छा, सॉरी सर, चलिए आप जो बात आपने स्पष्ट कही कि यहां पर जो 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 नैरेटिव्स की बात आई है, तो नैरेटिव तो अपने आप में राहुल जी ने क्लियर कर दिया कि वो तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं,
वो आग लगाते हैं, हम बुझाते हैं। राजस्थान से लेकर के गुजरात तक जिस तरीके की नफरत की एक आंधी चला रखी है हमारे प्रतिपक्षी लोगों ने कि एक बार आग लगाना बहुत आसान हो जाता है लेकिन उसके बाद वो आग को बुझाना कितना मुश्किल है, उसकी घटना दीपक ने भी देखी और आपने भी देखी कल उदयपुर में क्या हुआ। अगर यही झंडा किसी और ने लहराया होता तो आज की डेट में पूरे देश में आग लगी हुई होती। आपके सामने प्रतिपक्ष की सारी बातें क्लियर है कि जो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश के संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, देश के संविधान के साथ जो इस समय छेड़छाड़ हो रही है, इस पूरे देश को अगर कोई चीज एक रखे हुए है तो देश का धर्म जो है वो संविधान है। आज की डेट में हमारे संविधान के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमारे संविधान को बचाए रखना अपने आप में दीपक एक बहुत बड़ा नैरेटिव है। और इस संविधान की रक्षा चाहे वो आपका संघ प्रमुख का भाषण हो जिसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, उन्होंने ये भी कह दिया कि आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। जो कुछ लोग सुरेंद्र जी आप भी लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई कम करके आए हैं, ये बिहार चुनाव का बयान था और गुजरात चुनाव का बयान ये था उनका कि आर्थिक आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। दोनों का अंतर समझ लीजिए, आप भी पुरानी पढ़ाई करके ही आए हैं। दीपक एक बात समझिए, आप तो सामाजिक दीपक आप तो चैनल के साथ साथ एक सामाजिक रूप से भी जुड़े हुए शख्स हैं, आपको तो यह समझना पड़ेगा कि आरक्षण का आधार आर्थिक बाद में हो सकता है, आरक्षण का तो मूल आधार जो है वो सामाजिक है, जो सामाजिक रूप से यही तो मोहन भागवत ने गुजरात इलेक्शन के पहले साफ साफ कहा कि सामाजिक आधार पर आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये मोहन भागवत ने साफ साफ कहा गुजरात चुनाव के पहले, क्योंकि बिहार में जो गुफा कर दिया था उन्होंने उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और उन्होंने कोर्स करेक्शन किया। नहीं तो कोर करेक्शन किया, इनकी मंशा तो जाहिर हो गई ना, बंच ऑफ थॉट्स वालों की मंशा तो जाहिर हुई ना, जो लोग देश के संविधान की जगह मनुवाद को लाना चाहते हैं, जिस उदयपुर में इन्होंने पहले भगवान मनु की मूर्ति लगाई वही तो इन्होंने ध्वज फहराया और वही नरेंद्र मोदी आप जैसे आदमी को समझना होगा। वही नरेंद्र मोदी खाली बाबा अंबेडकर की बात करते हैं, सामाजिक और उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना दी उन्होंने, एक उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना दी। खाली अंतर्राष्ट्रीय दीपक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना देने से अगर बाबा साहब का सम्मान हो सकता है तो उसका स्वागत, लेकिन बाबा साहब के कानूनों को जो तोड़ा जा रहा है, अच्छा, बाबा साहब के अनुयायियों को जो मारा जा रहा है, देश के संविधान को जो तोड़ा जा रहा है, तीन साल से संसद ने किस कानून को परिवर्तित कर दिया, एक मिनट, तीन साल में आप कह रहे हैं संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तीन साल के अंदर संसद ने कौन से संवैधानिक संशोधन किए हैं मुझे सिर्फ एक बता दीजिए आप। लैंड एक्विजिशन बिल पर जो पांच काले कानून लाने की बात थी उसको आप क्या कह रहे दीपक, वो कैंसिल हो गया, जिसको कि हम लोगों ने और आप लोगों ने मिलकर कैंसिल हो गया, वरना तो वो ले ही आए, कैंसिल हो गया, ले आते नहीं, लेकर आकर परिवर्तित कर दिया। मुझे बताइए ऐसी बातें कर रहे हैं, प्लीज प्लीज टॉक इन सेंस। मैं आपसे लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात कि मैं नॉनसेंस बात कर रहा हूँ, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सवाल का जवाब दे दीजिए कि साढ़े तीन साल के अंदर संविधान के किस प्रावधान को बदला गया है। मैंने बताया तो आपसे कि अगर आपने और हमने विरोध इतना तकड़ा न किया होता, विरोध करने के बाद रुक गया तो आपको शाबाशी लेनी चाहिए इस बात की, आपको तो शाबाशी लेनी चाहिए। आपने नोट राहुल गांधी ने सही नरेशन दे दिया, आपने गलत लाइन पकड़ ली, संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया। जी जी हमने कोई गलत लाइन नहीं पकड़ी दीपक, अपनी लाइन की परवाह करें, हमारी लाइन ठीक है। अच्छा आपने देश के संविधान को बताइए तोड़ने का काम चल रहा है, ये बताइए कि राहुल गांधी ने ही कहा था कि सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हर पार्टी करती है। अशोका होटल के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2009 के चुनाव के ठीक पहले की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और राहुल गांधी ने खुद माना था कि हर सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती है, आपने भी किया, बीजेपी सरकार भी कर रही है, तो ये तो बराबर वाली बात हुई ना, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात हुई, इसमें गड़बड़ कहां से हुई। राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था, आप गूगल करके याद कर लीजिए चाहे तो। यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल।
नहीं नहीं मुझे सब याद है दीपक, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, चल पाएगा क्या? एक तरफ मैं गुजरात की बात आपको याद दिला रहा हूं तो आप कह दे रहे हैं कि गुजरात के ना बिहार की बात याद दिला रहा हूं मोहन भागवत की, तो आप कह दे रहे हैं गुजरात में ये कहा था आज के बिहार के बाद रीजन क्या था? सुरेंद्र जी आप ये बताइए, घड़ी उल्टी चलती है क्या? घड़ी को सीधे चलाइए, पहले बिहार आया फिर गुजरात आया, तो किसको आप मोस्ट रिसेंट किसको वोट करेंगे? राहुल गांधी ने इधर क्या कहा इस पर याद कीजिए, 2009 में क्या कहा इसको याद मत कीजिए। 2009 में आपकी सरकार थी तो वो बात मैं याद ना करूं, एक तरफ सेलेक्टिव सेलेक्टिव वोट हो जाओ वो आप याद रखेंगे, और राहुल गांधी ने जो 2009 में कहा वो याद रखेंगे? क्यों नहीं रखूंगा मुझे बताइए ना, एक कारण बताइए कि मैं क्यों राहुल गांधी के इस बयान को इग्नोर कर दूं कि उन्होंने कहा था कि सीबीआई का गलत राजनीतिक इस्तेमाल होता है और सभी पार्टियां करती है, मैं क्यों इस बात को आज नजरअंदाज कर दूं? क्या सीबीआई का गलत राजनीतिक इस्तेमाल इस वक्त नहीं हो रहा है? क्या आपने नहीं किया था, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपने मुलायम सिंह के केस में नहीं किया था? हमने किया था तो जनता ने हमें सजा दे दी। चलिए ठीक है, अगर ये कर रहे हैं तो इनको भी सजा दे देगी। हमने किया हो थोड़ा धैर्य रखिए, अगर ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं तो इनको भी सजा दे देगी, थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं मैं धैर्य रखिए, लेकिन अपने एजेंडे का थॉट क्लियर रखे सुरेंद्र राजपूत साहब। चलिए चर्चा, हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारा एजेंडा मोहब्बत का एजेंडा है, हमारा एजेंडा जोड़ने का एजेंडा है, और हमारा एजेंडा संविधान को बचाने का एजेंडा है, हमारा एजेंडा उन झूठे लोगों से दूर रखने का एजेंडा है जो लोग एक तरफ सत्ता में आते हैं कि धारा 370 खत्म करेंगे, जो लोग ये कहते हैं आकर के हम समान आचार नागरिक संहिता लाएंगे, जो लोग ये कहते हैं आज आकर के कि साहब हम ये सारे काम कर देंगे, जो लोग ये कहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट ला देंगे, और वो लोग आकर के पहले तो 5 लैंड एक्विजिशन बिल में कानून लाते हैं जिसको कि हम और आपने मिल करके खत्म कराया, और वो लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर पाते हैं, मनरेगा को फेलोरिटी की घोषणा बताते हैं, मुझे मनरेगा 7 में लागू करते हैं। अगर आप मुझे ये बोलते हैं, मुझे अगर आप ये बोलते हैं दीपक जी की ताई विसार के आगे की सुध ले, अगर आप मुझे आज ये बोल देते इस पुराने रिटोरिक को दोहराने की बजाय, इस पुराने ग्रामोफोन को दोहराने की बजाय कि दीपक जी अब राहुल गांधी जी नए अध्यक्ष बन गए हैं, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, अब मुझे अंबिकानंद जी ये बताइए कि आगे की सुध क्या होगी सही राहुल गांधी के लिए? यही सवाल अरविंद मोदी जी से मुझे मेरा बाप हो गया है। नहीं नहीं आप हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बीती बात विसार आप ही की बात मान लेते हैं, लेकिन बीती बात आपको भी विसारनी पड़ेगी, आपको 2000 मैं नहीं विसारूंगा भाई, मैं तो पत्रकार हूँ, मुझे हर बात को कॉन्टेक्स्ट में यूज करना पड़ेगा, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा काम ही विश्लेषण करना है। दीपक जी जिन कॉन्टेस्ट में आप इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी याद करना पड़ेगा। चले ठीक है, आपकी सोच के लिए शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं। हमारी एक बेसिक टिप्पणी है आज के ताजपोशी के सिलसिले में, देखिए राहुल गांधी जी के ग्रेट ग्रैंडफादर जबरदस्त अंग्रेजी दां थे, लेकिन जब भी तकरीर देते थे भाषण देते थे वो हिंदुस्तानी में देते थे, हिंदुस्तानी यानी हिंदी उर्दू मिक्स्ड, तो बहुत सुंदर कम्युनिकेटर थे। आज नरेंद्र मोदी से मुकाबला है, जबरदस्त कम्युनिकेटर है, वो मास की भाषा जानते हैं और मास की भाषा में मास को समझाते हैं। आज मुझे ये खटका कि अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं भाई, नहीं दिया था कि साउथ इंडियन, नहीं 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 साउथ इंडियन ठीक है, आप हिंदी में बोलिए हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ वो उसके अलावा जो उन्होंने डिटर्मिनेशन शो किया लड़ने का तो वो एक काबिले तारीफ बात थी। ठीक है अरविंद मोहन जी, यही सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं शोभना कि उन्होंने पहले अंग्रेजी बोला फिर हिंदी बोला और फिर अंग्रेजी बोला जी। अरविंद जी नहीं, मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि वो 365 दिन 24 घंटे की पॉलिटिक्स करें, और अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं आप उन पर, यह अन्याय होगा उनके साथ, नहीं ये उनके साथ उनकी स्टाइल के साथ अन्याय होगा, हर आदमी पॉलिटिक्स में है और कम से कम इतने जिम्मेवार पद पे आने के बाद अब उनको ये बीच बीच में जो ब्रेक लेते हैं या सोने चले जाते हैं या गायब हो जाते हैं ये बंद करना होगा, सिर्फ यही वो कर दें तो मेरे हिसाब से कांग्रेस में नहीं जाना आ जाएगी। शोभना
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज नए अध्यक्ष कांग्रेस को मिला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। और जैसे कि सभी यहां पे सीनियर लोग, वरिष्ठ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस को एक नई दिशा की ओर राहुल गांधी लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते